क्या है लाडो प्रोत्साहन योजना? लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर प्रदेश में शुरू की जाने वाली लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश की बेटियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से 2 लाख सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। इस सेविंग बॉन्ड के माध्यम से बेटियों को सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधी बेटियों के खाते में दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य में भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी और बेटियों को भी बेटों की तरह आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर व गरीब परिवार की बेटियों को दिया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के लाभ। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को 2 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके तहत जब बच्ची 6वीं कक्षा में आएगी तो सरकार हर साल 6,000 रुपए जमा कराएगी। जब बच्ची 9वीं कक्षा में आएगी तब उसके खाते में 8,000 रुपए दिए जाएंगे और कक्षा 10वीं में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार जब बच्ची 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तब उसे 12,000 रुपए दिए जाएंगे और कक्षा 12वीं में आने पर उसके खाते में 14,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद यदि बेटी एजुकेशन की पढ़ाई करती है तो उसके खाते में सरकार की ओर से 15,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तब सरकार उसके खाते में 1 लाख रुपए और डालेगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए क्या रहेगी पात्रता? लाडो प्रोत्साहन योजना को राजस्थान राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए जो पात्रता रखी जाएंगी वे इस प्रकार से हैं। बालिका का जन्म राजस्थान में ही होना चाहिए। बालिका के माता पिता राजस्थान के निवासी होने चाहिए। बालिका के माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना जल्द शुरू की जा सकती है और जल्द ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। योजना के लिए अभी तक आधिकारिक वेबसाइट शुरू नहीं की गई है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।